सुप्रभात बच्चों, मैं दुष्यंत पांचाल आपके सामने पुनः एक बार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। रस का अगला भाग विभत्स रस को लेकर, तो अब से इससे पहले हमने 6 रसों को पढ़ा, उसको आप चिन्मय पांचाल यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विभत्स रस को। जहां जुगुप्सा नामक स्थाई भाव, जहां जुगुप्सा, जुगुप्सा माने घृणा, जुगुप्सा कह सकते हैं, घृणा कह सकते हैं, जहां जुगुप्सा नामक स्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से परपुष्ट होकर, मजबूत होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहां विभत्स रस होता है। उदाहरण के लिए समझेंगे हम इसको। घर में लाशें बाहर लाशें, घर में लाशें बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती हैं लाशें। अब जो कोरोना से जो मृत्यु हो रही है, लाश हो रही है, ये सर्वोत्तम उदाहरण है इसका, विभत्स रस है। घर में लाशें बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती हैं लाशें, आंखें यह नृशंस दृश्य देख मुद जाती, घुटती हैं श्वासें। ये उस समय का उदाहरण है बांग्लादेश में जब पाकिस्तानियों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे। निरीह पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी रौंद रहे थे। तो अब हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। रस विभत्स रस है, स्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा, आलम्बन वो परिस्थितियां जिसके कारण स्थाई भाव जागृत होते हैं। वो परिस्थितियां कौन सी है? लाशें, घर में बाहर, जनपथ पर यानी रास्ते पर, आलम्बन सड़ती हुई लाशें, आश्रय दर्शक जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, स्थाई भाव आश्रय दर्शक उद्दीपन, स्थाई भाव को जागृत तीव्र उद्दीप्त करने वाले कारण, तो उद्दीपन क्या हुआ? घृणात्मक दृश्य, उन लाशों को देखकर घृणा हो रही है, जो गुप्सित हो रहे हैं। अनुभव जो हमारे हृदय में उन लाशों को देखकर बार बार स्थायी भाव बन रहे और मिट रहे हैं, वो है कभी आंखें घुट जाती है, कभी सांस घुट जाती है, आंखें मुझ जाना, सांसों का घुटना, ये होंगे अनुभव। इसी क्रम में अब हमारा अगला रस आता है अद्भुत रस। इसका स्थाई भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस स्थाई भाव विस्मय, परिभाषा वही है, मैंने आधी लिखी हुई है क्योंकि हर रस में वही परिभाषा रिपीट हो रही है स्थाई भाव से। तो जहां काव्य में विस्मय नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, डॉट डॉट है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से परिपुष्ट होकर रस का साधु प्राप्त होता है, वहां अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण है जब जनक के महल में भगवान श्री राम का जन्म होता है, तो माता कौशल्या उस बच्चे के, बाल स्वरूप भगवान के रूप को देखकर विस्मित हो जाती है। तो रामचरितमानस की चौपाई है, इहां दुहां दुई बालक देखा, इहां उहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेखा। मत भ्रम, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, मोर के आन विशेखा, तन पुलकित मन वचन न आवा। शरीर बहुत हर्षित हो रहा है लेकिन मुख से वचन नहीं निकल रहा है। तन पुलकित मन वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर डावा। और माता कौशल्या नेत्रों को मूंद लेती है। तो भगवान राम के दो स्वरूप है, एक तो बाल रूप और एक वो भगवान रूप। तो यहां रस अद्भुत रस है, स्थाई भाव विस्मय है, आश्चर्य हो रहा है, आलम्बन राम के दो बाल रूप है, राम के दो रूप हैं,
एक तो सामान्य रूप और एक विशेष रूप। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, माता कौशल्या है, अनुवाद जो राम के स्वरूप को देखकर जो बार बार विचार आ रहे हैं मिट रहे हैं वो है शरीर का पुलकित होना, तन पुलकित मन वचन न आवा, शरीर का प्रसन्न होना, मुख से वचन न निकलना, और नेत्रों को मूंद लेना, चरणों में सिर झुका देना, संचारी भाव जड़ता यानी हद प्रभ रह गई है, एक यानी कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, और वेतर फिर अपने आप में तर्क देती है कि ये चीज क्या है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दो रसों को पढ़ा, विभत्स रस और बोध रस। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि ये आपको जहां तक मैं समझ रहा हूं रस और स्थायी भाव आपको क्लियर हो जाता होगा। अब समस्या आती होगी आलम्बन में, आश्रय में, उद्दीपन में, अनुभव में। इसके लिए मैंने जब रसों को पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, विस्तृत इनका विवरण दिया था और इनको समझाया भी था। तो इन्हें निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उन पहली वाली वीडियो को देखना होगा बार बार। धन्यवाद।